Hope you all are enjoying your time and studies, also. So, today, once again, I'm going to share a video with you on the only one remaining lesson named as the Merchant of Venice with you. In prose section, this lesson named as the merchant merchant of Venice was left behind. So today आई एम गोइंग टू फिनिश द लेसन इन टू पार्ट्स बिकॉज दिस ऑज अ लेंथी लेसन सो आई विल मेक टू वीडियोज ऑन द लेसन सो वॉच इट केयरफुली टिल तो बेटा आपकी प्रो सेक्शन में सिर्फ यही एक लेसन रहता था जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी बाकी हमारा प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरीज पूरा प्रपोजल जो प्ले है सब कंप्लीट है तो आज मैं आपके साथ ये लेसन शेयर करूंगी इसकी समरी लेकिन टू वीडियोस में क्योंकि ये लेसन बहुत लेंथी है थोड़ा सा और आपको समझने में थोड़ी मतलब आप अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड दोनों वीडियोस आप देखिए एंड तक देखिए तभी आपको इस लेसन की समझ आएगी तो दिस लेसन नेम्ड एज द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर रिटर्न समवेयर बिटवीन फिफ्टीन नाइन्टी सिक्स एंड नाइनटीन एट फिफ्टीन मीन्स की यह जो लेसन एज रिटर्न इन फिफ्टीन्स जैसे आजकल ट्वेंटीज चल रहा है तब ये मतलब पंद्रहवीं शताब्दी में कहीं ये लेसन लिखा गया द प्ले इज रिमेम्बर्ड फॉर इज ड्रामेटिक सीन्स एंड इज बेस्ट नोन फॉर शाल the famous hath not a jew eyes love hatred and money are the dominant themes of the play antonio a merchant of venice borrows money from his enemy shylock to enable bassanio a friend of his to go to belmont to marry intelligent portia thou bassanio rejoices over marriage with portia whereas antonio is jailed for not clearing his debit for to shylock Time. Shylock's arrogance and hated demands a pound of flesh from Antonia. Means ki in this lesson we have got four characters. Shylock, Antonio, Bassanio, and Portia. Bassanio is the friend of Antonio, and Portia is the lover of Bassanio. So, matlab ki, लव एज दिस इज शोन लव हेटेड एंड मनी आर द डोमिनेंट थीम्स ऑफ द स्टोरी ठीक है वो जब आपको पूरी समरी आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा फिलहाल आप ये रखिए ध्यान में कि देर आर फोर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी एंटोनियो शैलॉक बिसानियो एंड पोर्शिया शैलॉक वॉज अ ज्यू who lent money to people at fairly huge rates of interest and exacted the money with such a severity that he had become notorious for this evil practice shylock ek yahudi tha jo logon ko paisa udhar deta tha bahut hi हाई मतलब जो उसका ब्याज जब लोगों ने वापस करना होता था ना तो जैसे इंटरेस्ट पे पैसा हम लेके लेते हैं लोन लेते हैं बैंक से फिर इंटरेस्ट पे ज्यादा होता है इंटरेस्ट पे चुकाते हैं यानी उस पैसे को ज्यादा करके जिसे लिया होता है उसे वापस देना होता है तो वो भी लोगों से ऐसे ही मतलब लोगों को पैसा उधार देता था और ज्यादा जितना होता नहीं था उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट पे वो पैसा वापस लेता था और उसकी ये जो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो एक बहुत ही उसने इस चीज को एक बहुत ही वो बना लिया था क्योंकि उसका दिल बहुत कठोर था वो बिल्कुल वो किसी के प्रति दया नहीं रखता था और इस तरह वो जो लोगों को पैसे उधार देता था उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लेता और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था ही लैक द ह्यूमन heart एंड द ह्यूमन फीलिंग्स ऑन द अदर हैंड इन Venice there was another पोर्सन नेम एंटोनियो हु वॉज अ बिजनेस मैन एंड अ मनी लेंडर टू मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी कोई दया नहीं थी वो लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता था कौन शैलॉक दूसरी तरफ वहीं पे एक और बिजनेस था जिसका नाम था एंटोनियो वो भी वहीं पे रहता था बट वो क्या था बहुत ही अच्छा आदमी था बहुत ही दयालु था और लोगों को बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा उधार देता था शायलॉक और एंटोनियो दोनों में ये क्या थी एक डिसिमिलैरिटी थी आपने यही चीजें बड़ी ध्यान से सुननी है शायलॉक जो था वो एक बैड मैन के नाम से जाना जाता था बट एंटोनियो इज एक्टिंग एज अ हीरो इन दिस लेसन ठीक है दिस वॉज द रीजन द मेन रीजन फॉर राइवलरी दैट है डेवलप्ड बिटवीन द टू शायलॉग एंड एंटोनियो व डैगस ड्रॉन विद ईच अदर यही एक कारण था जिसकी वजह से दोनों में क्या थी बहुत ज्यादा दुश्मनी थी इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि वो हर टाइम छोटी छोटी बात पे एक दूसरे पे क्या करते थे तलवार उठाने के लिए तैयार रहते थे एंटोनियो हैड ऑफ़न रिब्यूट एंड शाइलॉक इन द पब्लिक फॉर ही वॉज रियली अ कैलस मैन हु मनी मोर एंड देन हिमसेल्फ shylock however, could not break away from this evil practice of charging exorbitant rates of interest and antonio continued to help the people especially the poor and the needy to uh, especially and the poor and the needy who came him to borrow money shylock's heart was full of rancor and he was really a person who had no soft corner for the needy and the poor antonio Jotha. वो हर टाइम बड़ी बार उसने शैलॉक की बहुत ज्यादा इंसल्ट की रास्ते में भी जहां भी उसे मतलब उनकी मुलाकात होती एंटोनियो कोई मौका नहीं छोड़ता था उसकी बेजती करने का कि तुम लोगों को किस वजह से वही उसकी बुरी आदत की वजह से जो लोगों को हाई रेट पे बड़ा वो पैसा देता था इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट पे लेकिन जो एंटोनियो था उसके मन में कोई दया नहीं थी कोई मतलब इतनी सी भी फीलिंग नहीं थी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए और एंटोनियो जो था हर टाइम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनकी हेल्प के लिए हर टाइम तैयार रहता था शायल सर्ट वॉज फुल ऑफ रैनकॉर उसका दिल जो था बहुत ही मतलब वो बड़ा अंदर से बहुत मेला दिल था उसका और उसे उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं थी ही वॉज वेरी हार्श इन द डीलिंग विद पीपल लोगों के साथ बहुत बहुत ही रूडली बहुत ही कठोरता से पेश आता था कौन शायलॉक द एनमोसिटी बिटवीन शायलॉक एंड द एंटोनियो कंटिन्यू शायलॉक शायल हैड बीन इंसल्टेड बाय एंटोनियो वॉज बॉयलिंग विद एंगर एंड वेड इट फॉर सम अपॉर्चुनिटी टू सीक रिवेंज जो ये दुश्मनी थी शायलॉक और एंटोनियो के बीच में ये चलती रही मतलब ये बढ़ती रही और जो ये शायलॉक था बहुत बार एंटोनियो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता था बड़ी बेजती करता था और क्योंकि और ये जो ये था शायलॉक ये किसी एक ऐसे मौके के वेट में था कि क्योंकि जो उसे उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था एंटोनियो के प्रति कि किसी दिन मुझे ये मौका मिले और मैं अपना सारा गुस्सा उस पर निकालू वो वो सिर्फ उस एक मौके की तलाश में था शायलॉक ठीक है बेटे वंस बेसिनियो वन ऑफ द एंटोनियोस फ्रेंड केम टू एंटोनियो एंड वांटेड टू बोरो मनी एज ही वाज इन नीड ऑफ द सेम एंटोनियो वाज अ बिजनेस मैन एंड एक्सप्रेस्ड हिज इन अबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग हिम एनी मनी एज ही हैड इन्वेस्टेड इन ऑल हिज बिजनेस एक बार एक उसका एंटोनियो का फ्रेंड बेसिनियो एंटोनियो के पास आया उससे कुछ पैसा उधार लेने के लिए कि वो उस समय पैसे की उसे जरूरत है बट एंटोनियो रिप्लाइड एंटोनियो हालांकि वो बिजनेसमैन था लेकिन उसने अपने फ्रेंड को रिप्लाई दिया उसने कहा नाउ आई एम नॉट एबल नाउ आई एम नॉट इन द पोजीशन टू गिव यू सम मनी बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन पुअर एंड नीडी पीपल क्योंकि उसने ऑलरेडी जो उसके पास पैसा था गरीब और पुअर लोग उसमें नीडी लोगों में बांट दिया था अब वो वेट कर रहा था उसके शिप्स का जो जिस अ, मतलब उसके शिप्स थे उसके जहाज थे समुद्री जहाज और वो उनका वेट कर रहा था कि वो शिप्स उसके वापस आएंगे और उसका जो बिजनेस है वो नहीं डूबेगा जो उसके शिप्स मतलब वो बिजनेस करता था ऑबियसली तो वो उनका वेट कर रहा था एंटोनियो फट एज ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू हेल्प बसिनियोड टू अरेन्ज मनी फॉर बसिनियो सम हाउर टू गो टू शेलॉक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम मनी दिस टाइम शेलॉक अफेक्टेड टू बी सॉफ्ट एंड गुड ऑल दो सीन्स ऑफ इंसल्ट डेट एंटोनियो है

कुछ पैसा उधार लेने के लिए कि मैं शरलॉक से पैसा उधार लेके उसको दे दूंगा दिस टाइम शरलॉक वाज टोटली चेंज मतलब इस टाइम पे वो एंटोनियो ने देखा वो बिल्कुल सॉफ्ट बड़ा बड़ी मतलब बड़े प्यार से बात कर रहा था उसे उससे हालांकि वो दोनों बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे उसके दिमाग में शरलॉक के दिमाग में वो सभी सीन्स आ गए जब एंटोनियो हर बात पे हर टाइम उसकी इंसल्ट करता था उसने एंटोनियो को याद कराया कि तुमने मुझे हर टाइम इंसल्ट किया है और हर जगह उसने उसको ही किया है द टाइम अ लेसन अब वो समय आ गया था जब वो एंटोनियो को मतलब अपना बदला ले सकता था एंटोनियो इंटरेस्ट he charged antonio was the same person that and he was surprised when sherlock told him that he would lend the money as described without any interest antonio who hated sherlock had again said i am as like to call you so again to spit on you again and spoon you too sherlock very silently bore everything he what time agyatha जब शायलाक को अपनी बेजती का बदला लेना था और उसे एंटोनियो को एक लेसन सिखाना था एंटोनियो ने कहा कि वो जितना भी इंटरेस्ट बोलेगा वो देने के लिए तैयार है अपने फ्रेंड के लिए तो एंटोनियो वही था वही वही जिससे वो झगड़ा करता था जिससे उसकी दुश्मन नहीं थी और वो इतना हैरान था कि जब उसने बोला शायलॉक ने एंटोनियो को बोला कि तुम्हें मैं बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा दूंगा एंटोनियो बहुत हैरान हो गया क्योंकि वो तो पैसे पैसे के पीछे अपनी जान देता था एंटोनियो जो कि उसे हिट करता था से उसने बोला मैं तुमसे नफरत करता हूं करता रहूंगा तुम पे थूकूंगा तुम्हारी बेजती भी करूंगा और जहां तुम मुझे मिले तुम्हें गाली दूंगा तुम्हारी गलत आदतों के लिए और जो शायलॉक था बड़े मतलब बड़ी शांति से उसको सुनता रहा बिकॉज ही he, he happy now नाउ टू टेक द on ऑन sworn एनिमी lend मी द मनी as एन एनिमी क्योंकि उसने वो सब सुना जो उसे एंटोनियो ने कहा वो बड़ा खुश था कि अब मैं उस दुश्मन से अपना बदला लूंगा जो मेरी हर टाइम बेजती करता रहा तो उसने कहा कि मुझे एक दुश्मन समझ के पैसा उधार दे दो हाउ एवर इन अपोर्ट अ बॉन्ड वॉज साइंड बाय एंटोनियो दफ यू फेल टू पे हिम द मनी विद इन द स्टिप्यूलेटेड पीरियड शाइलॉक वुड बी एट लिबर्टी टू रिमूव अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनी पार्ट एस ही खुशी खुशी में ही दोनों में एक बॉन्ड यानी एक एग्रीमेंट एक समझौता एक संधि पत्र जो है साइन किया गया जिसपे क्या लिखा था कि अगर जो टाइम दिया गया है जो उस बॉन्ड में टाइम मैंशन किया गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर यह पैसा उसे वापिस दे देगा अगर वो नहीं कर पाया तो उसे उसके बदले में शायलॉक को क्या देना पड़ेगा शायलॉक को उसकी बॉडी से मांस का टुकड़ा किसकी बॉडी से एंटोनियो की बॉडी से एक मांस का टुकड़ा चाहिए किसी भी शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट से वो मांस का टुकड़ा ले सकता है जहां से वो चाहेगा है ना अजीब सी शर्त ये बट शायलॉक ने ये शर्त रखी कि अगर वो उसे पैसा नहीं दे पाया तो उसे उसे उसके शरीर से मांस का टुकड़ा देना पड़ेगा एंटोनियोज वॉज डन उसका काम जो है हो गया he, उनके बीच में वो वो बॉन्ड साइन हो गया बॉन्ड वॉज रियली डेंजरस उसे पता था एंटोनियो की बॉन्ड तो बड़ा खतरनाक है बट ही टुक द रिस्क to ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज फ्रेंड upon हु नॉट टू रिस्क हिज लाइफ बट एंटोनियो वॉज adamant. लेकिन उसने ये रिस्क किसके लिए लिया एंटोनियो को पता था कि यह बॉन्ड खतरनाक है उसने ये रिस्क लिया अपने फ्रेंड बसिनियो के लिए जिसने लेकिन बसिनियो चाहता था कि वो अपनी कोई मतलब अपनी जान को दांव पे लगा के उसे पैसा नहीं चाहिए था लेकिन एंटोनियो जो था वो अपनी बात पे कायम था उसे अपने दोस्त के लिए पैसा लेना ही था तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बोला द लेसन इज वेरी लेंथी तो मैं इसको इसकी दो पार्ट्स में इसकी वीडियो शेयर करूंगी तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी बट बत आपको पूरी वीडियो देखनी है दूसरी भी एंड तक देखोगे तो आपको ये लेसन समझ में आएगा ठीक है तो इस तरह इस वीडियो को जो समरी इतनी सी ये आपको इतना सा तो समझ में आ गया कि जो एंटोनियो और शायलॉक दोनों बिजनेसमैन थे लेकिन दोनों अपोजिट थे शायलॉक इज अ बैडमैन एंड एंटोनियो इज अ रियल हीरो इन द स्टोरी अभी भी जो मैंने आपको बताया वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपने दुश्मन से पैसा उधार लेने गया था ठीक है तो बाकी जो आगे क्या हुआ उसके साथ वो दे पाया या नहीं दे पाया और एंड क्या हुआ इस लेसन का ये मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज थैंक यू